कहाँ जा रही है बहू? स्कूटी की चाबी उठाते हुए प्रथा से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही थी अम्मा जी, अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। हूँ, ये तो रोज़ का हो गया है, एक फ़ोन आया और ये चल दी, बहाना चाहिए पीहर जाने का, सास ने जाते जाते प्रथा को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर प्रथा के तन बदन में आग लग गई, दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई, आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो अब ये तो अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हैं देवू के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था, अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया, प्रथा ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, गंदगी साफ करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, और बहुओं से ये सब सुनो, कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देखकर देवाशीष बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा, अपनी चहेती से ही पूछ ले, तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वो प्रथा को कमरे में ले गया। ये सब क्या है प्रथा, अब ये रोज की बात हो गई है, मैंने क्या किया है देव, बात अम्मा जी ने ही शुरू की है, क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा ना, प्रथा ने रुआंसी होकर कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे, माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेअदबी भी कहाँ नजर आई, तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है देव, और माफ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पर्स उठाते हुए प्रथा बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई प्रथा से देवाशीष ने पूछा। जिन्होंने मेरी गंदगी धोई है, मेरे लिए रात रात भर जागे हैं, मुझे नौकरी लायक बनाया है, उनका कर्ज उतारने, प्रथा ने गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटी स्टार्ट कर चल दी।